उसका दावा, पोलैंड बॉर्डर से सटे युबोरिव में मिलिट्री बेस को किया तबाह, भाड़े के 180 सैनिकों को मार गिराने का दावा। युबोरिव में रूसी मिसाइलों ने बथाया कैर, हमले में मिलिट्री बेस बना खंडहर, मिसाइल अटैक में भारी मात्रा में हथियार भी नष्ट। रूस के एयर स्ट्राइक से दहला युरोविव शहर, रूस ने रिहायशी इलाकों में जमकर बरसाए गोले, हवाई हमले में 35 नागरिकों की मौत, 134 लोग हुए जख्मी। हवाई हमले में ऊंची ऊंची इमारतें हुई तबाह, हर तरफ दिखी आग की लपटें, जलती इमारतें, लोगों का रेस्क्यू किया गया। रूसी एयर स्ट्राइक के बाद युरोविव में मची अफरा तफरी, लोग जान बचाने के लिए भागते दिखे, सैकड़ों गाड़ियां जलकर हुई रात। दुनिया के कई देशों में रूस के खिलाफ प्रदर्शन, यूक्रेन पर हमले के विरोध में जर्मनी के लोगों का फूटा गुस्सा, बर्लिन में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। जर्मनी के लोगों ने यूक्रेन के प्रति एकजुटता का दिखाया आह्वान, पुतिन से यूक्रेन पर फौरन हमला रोकने की मांग की। चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क का दावा, रूस यूक्रेन बॉर्डर पर सैन्य कार्रवाई अस्थायी रूप से बंद, बॉर्डर पर आम नागरिक आते जाते दिखे। चीन और तुर्की के मीडिया समूह ने रूस यूक्रेन के जंग के लिए अमेरिका को ठहराया जिम्मेदार, हथियारों की बिक्री के लिए अमेरिका और नाटो वर्चस्व कायम करना चाहता है। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा, अब तक यूक्रेन के कुल 3,593 सैनिक अड्डों को किया गया तबाह, कई हेलीकॉप्टर और विमान को भी मार गिराने का दावा। यूक्रेन ने रूस को भारी नुकसान पहुंचाने का किया दावा, रूस के 362 टैंक, 58 फिक्स्ड विंग विमान, 83 हेलीकॉप्टर और 1205 बख्तरबंद गाड़ियों को किया तबाह। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो, यूक्रेन की सेना घात लगाकर रूसी मानव रहित विमान को मार गिराया। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा, रूसी सैनिकों ने की जवाबी कार्रवाई, की में यूक्रेन के कमान चौकी को किया ध्वस्त। सीएम योगी के दिल्ली दौरे का दूसरा दिन, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, अनुराग ठाकुर और धर्मेंद्र प्रधान से करेंगे मुलाकात। करीब पौने दो घंटे चले पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात, पीएम ने जीत की बधाई दी, मंत्रिमंडल गठन पर भी हुआ मंथन, जेपी नड्डा से भी मिले योगी। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ, राजनाथ सिंह ने सीएम योगी को दी जीत की बधाई, राजनाथ सिंह की पत्नी ने उतारी सीएम योगी की आरती। दिल्ली पर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और बीएल संतोष से की मुलाकात। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी में हुई बैठक, 5 राज्यों में करारी हार पर हुआ मंथन, कार्यकर्ताओं ने की राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग। दिल्ली में सीडब्ल्यूसी की बैठक में सोनिया गांधी ने की इस्तीफे की पेशकश, कहा कि नेतृत्व पर शंका तो पद छोड़ने को तैयार, सदस्यों ने कहा कि आपका नेतृत्व सबको मंजूर। हरीश रावत ने लिए उत्तराखंड में कांग्रेस की हार की जिम्मेदारी, कहा कि लगातार हो रही हार के कारणों की करनी होगी तलाश। उत्तराखंड में शिकस्त के बाद कांग्रेस आलाकमान के सामने छलका हरीश रावत का दर्द, कहा कि हार के दोषियों को मिले सजा चाहे वो कोई भी हो। यूपी में सरकार गठन पर स्वतंत्र देव सिंह का बड़ा बयान, कहा कि होली के बाद शपथ ग्रहण संभव, मैं अभी नहीं जा रहा हूं दिल्ली। विधानसभा चुनाव में हार के बाद जनता से रूबरू हुए संगीत सोम, कहा कि लोग गलतफहमी का न पाले, बाबा का बुलडोजर और संगीत सोम का डंडा दोनों चलेंगे। लखनऊ में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का बयान, कहा कि बीजेपी जनता को असल मुद्दों से हटाकर गुमराह करने में कामयाब रही, लेकिन हम संघर्ष का रास्ता नहीं छोड़ेंगे।